ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी यानी कि घर बैठे यमी और टेस्टी खाना मंगवाना, और तो और अब तो घर बैठे आप शादी के लिए लड़के भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ऐप जो है, देखा आपने कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना। अब तो चैट जीपीटी, गूगल चैटबोट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा काम भी आसान होते जा रहा है, यानी कि इंसान की जरूरत की हर चीज जिससे उसे आसानी हो वो आपको टेक्नोलॉजी के रूप में मिल रही है। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ फायदा ही है, क्या इसके कोई नुकसान नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी हैं। हर नई और सुविधाजनक चीजों का नुकसान भी होता है, और कुछ ऐसा ही है फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रहे हैं। जब से ऑनलाइन और कैशलेस पैसे भेजने और रिसीव करने की सुविधा देश में आई है, तब से फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब है ऐसे फ्रॉड जिनमें आपके कमाए हुए पैसों का नुकसान हो। अब चाहे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग का फ्रॉड, और इनका शिकार हुआ है देश का आम नागरिक। लोकल सर्कल की एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 39% परिवारों ने दावा किया है कि उनके साथ पिछले 3 सालों में वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, और उसमें से सिर्फ 24% परिवारों को ही अपना पैसा वापस मिल पाया है। सर्वे के अनुसार 11,305 प्रतिक्रियाओं में से 24% लोगों को उनके पैसे वापस मिले, जबकि 70% लोग ऐसे थे जिनकी शिकायत का कोई समाधान नहीं मिल पाया। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 23% जवाब देने वाले लोगों के सबसे बड़े ग्रुप के साथ क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जबकि 13% लोगों के साथ खरीद बिक्री और क्लासिफाइड साइट्स के जरिए फ्रॉड हुआ। सर्वे के मुताबिक 13% वेबसाइटों के प्रोडक्ट डिलीवर करने के नाम पर ऑनलाइन पैसे ले लिए गए, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया गया, जबकि 10% ने ATM कार्ड धोखाधड़ी के बारे में बताया, और बाकी 10% ने बैंक धोखाधड़ी, और 16% ने अलग अलग तरह की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। लोकल सर्कल्स ने बताया कि पिछले साल मिली प्रतिक्रियाओं के साथ अगर हम तुलना करें तो पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करने वाले परिवारों के प्रतिशत 2022 की तुलना में 2023 में थोड़े कम हुए हैं, तो वहीं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट वाले आंकड़े बढ़े हैं। लोकल सर्कल्स ने बताया कि पिछले साल मिली प्रतिक्रियाओं के साथ अगर तुलना करें तो पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत 2022 की तुलना में 2023 में थोड़ा कम हुआ है, तो वहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वालों का आंकड़ा बढ़ा है, जो कि 2022 के 18% से बढ़कर अब 2023 में 23% हो चुका है, यानी कि कार्ड से फ्रॉड के मामलों में 5% की बढ़त हुई है। लोकल सर्कल फर्म ने बताया कि उन्होंने अपने सर्वे में देश के 331 जिलों में स्थित परिवारों से करीब 32,000 प्रतिक्रियाएं ली, जिसमें से जवाब देने वाले 66% पुरुष और 34% महिलाएं थी। फर्म ने बताया कि करीब 49% लोग टियर 1 से, 35% टियर 2 से, और 26% टियर 3 और 4 और ग्रामीण जिलों से थे, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ्रॉड भी देश के गाँव तक पहुँच गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है जागरूकता और सतर्कता की कमी। आपका क्या मानना है फाइनेंशियल फ्रॉड की बढ़ती हुई इस संख्या को लेकर? आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें जागरण बिजनेस।